क्षेत्र में हाथियों ने विगत कई दिनों से डेरा जमाए हुए हैं और अब ये हिंसक रूप लेकर क्षेत्र में आतंक मचा रहे हैं और ग्रामीणों की जान लेने के साथ उनके घर फसल को नुकसान पहुंचाने के साथ ही मवेशियों को भी मौत के घाट उतार रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत के साथ ही साथ वन विभाग के कार्यप्रणाली पर भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि वन परिक्षेत्र पसान अंतर्गत ग्राम पंचायत हरदेवा आश्रित ग्राम बर्रा में विगत 15 दिनों से हाथियों का तांडव जारी है। वन विभाग की लापरवाही से आमजनों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है। बीती शाम 5 बजे घासीराम अपनी बाड़ी में जानवरों को बांध रहा था, तभी हाथियों ने हमला किया और घासीराम की मौत हो गई। इस घटना से ग्रामवासी आक्रोशित हो गए। लोगों ने प्रशासन को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया। उपस्थित ग्राम पंचायत सरपंच के साथ जनपद पंचायत अध्यक्ष पोड़ी उपरोड़ा, सरपंच संघ अध्यक्ष स्वर्ण सिंह श्याम, जनपद सदस्य पवन सिंह, शिवराम सिंह, मार्को ब्लॉक अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उन्होंने आरोप लगाया है कि वन विभाग के कर्मचारी घटना होने के 12 घंटे बाद भी वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। उनके इस लापरवाह रवैये के लिए SDM और SDO को ज्ञापन सौंपकर लापरवाह अधिकारी के ऊपर उचित कार्यवाही की मांग करेंगे। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कल दिनांक 7/12/2020 को करीबन 5 बजे के आसपास घासीराम मार्को जी का हाथी के द्वारा कुचलने से उनकी मृत्यु हो गई और अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की यहां पर उनके द्वारा नहीं आया गया है, ना तो मृतक के परिवार को किसी प्रकार की सहायता दी गई है, ना यहां पर आकर के किसी भी प्रकार की कोई सत्वाना दिया गया है। और 10-12 दिन तक बर्रा गांव में, चाहे आसपास के गांव में, हरदेवा पंचायत के आश्रित ग्राम बर्रा में आज जिस प्रकार की घटना हुई वो बहुत ही चिंताजनक है और इस क्षेत्र के लिए भविष्य में यहाँ के जितने भी किसान हैं, मजदूर भाई हैं, इस पर यहाँ के जो क्षेत्र में निवास करते हैं वो पूरे दहशत में हैं, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की कोई निर्णय नहीं लिया गया, यहाँ के लोगों को बचाने का ना प्रयास किया गया, ना शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की यहाँ पर लोगों को बचाव के दृष्टि से सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया। हाथी दल नियुक्ति वन विभाग के द्वारा तो किया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई काम यहाँ पर नहीं करते, ना तो वन विभाग के लोग यहाँ पर आते। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि वन विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जाती, न रात में आते। लोगों के द्वारा सूचना प्रदान किया जाता है, लेकिन कोई भी यहाँ पर शासन के लोग नहीं आते, न प्रशासन के लोग आते। अभी करीबन 12 घंटा हो गया, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन के लोग अभी तक नहीं पहुँचे। ये बहुत ही दुखद बात है, निष्क्रिय शासन प्रशासन के लोग हैं। इसके लिए गांव वाले उग्र आंदोलन करेंगे। अगर इसी प्रकार की घटना घटित होती रहती है तो पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं शत्रुघ्न पठारी, ग्राम पंचायत हरदेवक सरपंच हूं और मेरे यहां आश्रित ग्राम जो बर्रा है वहां एक घासीराम गोंड को हाथी के द्वारा कुचल कर कल मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन हाथी इतना प्रभावित कर दिए हैं मेरे क्षेत्र को, यही आज की बात नहीं है, यहाँ 2-3 महीना से 2 दर्जन घर टूट चुके हैं, 200 किसान का फसल नुकसान कर चुके हैं। और आज तक शासन से मेरा यही निवेदन है कि इनको थोड़ा संभाल के रखें, वरना मेरे पंचायत के जनता उग्रवादी हो जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। और मैं शासन से चुनौती कहता हूं कि इनका तत्काल मुआवजा मिले और यहां का सुना जाए। और इतना से मैं बोलिए भैया। मैं सरपंच संघ के अध्यक्ष जनपद पंचायत पौड़ी बोड़ा सुवर्ण सिंह सहमा, कई बार यहां आज से नहीं 15 दिन हो रहा है हाथियों का दल यहां घूम रहा है, लेकिन सूचना देने के बाद वन विभाग भी सुस्त है। समझ जान रहे हैं कि देहात की जगह है, सब घर आसपास है, इस बारे तो हाथी जहां भी आते हैं जंगलों के घर में आते हैं, लेकिन यहां इस जगह ऐसा है कि सब तरफ से घिरा हुआ है,
लेकिन इस जगह को वन विभाग वाले पहले तैनात होना चाहिए कि अगर दिन दहाड़े हाथी मारता है तो हमारी जवाबदारी नहीं, वन विभाग की जवाबदारी। वन विभाग को तो ये तैनात होना चाहिए कि इस जगह अगर हाथी है तो उनकी पूरी टीम यहाँ डालना चाहिए, डेरा डाल देना। लेकिन ये रात में बुलाने के बाद भी नहीं आते हैं, इनकी जवाबदारी वन विभाग की है। वन विभाग के अगर कोई भी नुकसान हो तो वन विभाग इस गांव को उठा के ले जाते, पूरे थाना सबको भेज देते जेल। अब यहाँ ऐसा स्थिति है कि जनहानि दोनों का है ना, यहाँ जन का हुआ है, धन का भी हुआ है, और अभी तक किसी का मुआवजा नहीं है। किसी के जानवर भी, जने सियाने के बता रहे थे कि जानवर भी मर गया है, लेकिन इसका भी कोई मुआयना नहीं हुआ है। हम यही चाहते हैं कि ऐसे कर्मचारी किस काम की, अगर जनता की सेवा के लिए, ये तो कर्मचारी जनता की सेवा के लिए है ना, हम उनका सेवा थोड़ी करेंगे, हमारी सेवा करेंगे। अब अभी तक थाना में भी अपन सूचना दी है, सूचना थाने वाले को कहना था कि नहीं हितग्राही या उनका कोई परिवार को भेज दो। ये वन विभाग की जवाबदारी, हमारी जवाबदारी नहीं है, यहाँ की सारी काम वन विभाग करेंगे। लेकिन वन विभाग अभी तक सोचते हैं, अभी तक अगर किसी का जान गया है, वन विभाग की जवाबदारी है तो अभी तक सब कुछ कर लेना चाहिए। अब अभी तक कोई नहीं आया है ना, देख रहे हैं जनता सब देख रहे हैं कि नहीं अभी आए थाने वाले, अभी आए फॉरेस्ट वाले, लेकिन अभी तक नहीं आए। उनको तो अभी तक 7 बजे करीब करीब रात में ही यहाँ रहना चाहिए उनको। हमारे ग्रामीण भाई ना जान के वजह से सब ऐसे हो रहा है, अगर जानते तो रात में वहीं रहते वो लोग, उनका भी रखवाली की जवाबदारी है। लेकिन वह जवाबदारी हमारी है क्योंकि हमारा बाप है ना, इसीलिए। लेकिन उनका तो कोई ही नहीं है ना, लेकिन वो चौकी मतलब हमारे भी कर्मचारी है ना, तो हमारा भी सेवा उनका जरूरी है। लेकिन जनहानि की जो नुकसान हो रहा है वो उनका जवाबदारी है, जितना हो रहा है उन्हीं की जवाबदारी में, और हाथियों की जवाबदारी उनकी है। अगर ना करे ना शासन, अगर ना करे कि नहीं तुम आम ग्रामीण आम जनता तुम हाथी को खुद भगवा लो, तुम खुद रक्षा कर लो, अगर सरकार बोल दे कि नहीं हाथी को तो हम हाथी कल मार देंगे, हाथी हमसे बड़ा है कोई दिक्कत नहीं हम कल मार देंगे, लेकिन अगर सरकार दे देता हूँ नहीं तो सरकार उसकी रक्षा करे, शासन प्रशासन भेजे, शासन प्रशासन उनका रक्षा करे, गांव से भगवाए दूर।